योग भारतीय संस्कृति की अति प्राचीनतम विधा है, विद्या है। योग संस्कृत भाषा के युज धातु से मिला है, जिसका अर्थ होता है जोड़ना, जोड़ना यानी मिलाना। और योग पूरी सृष्टि के कल्याण की चीज़ है। और आधुनिक युग में आपाधापी भागदौड़ के युग में तो योग बहुत आवश्यक है। आप प्रातःकाल 15 मिनट, जो मैं अभी बता रहा हूँ, 10-15 मिनट की क्रियाएं करें योग की, तो आप पूरे दिन भर तरोताज़ा रहेंगे। आइए आज हम सभी कुछ योगिक क्रियाएं करेंगे, है ना, जिससे आप स्वस्थ रहें, आपका परिवार स्वस्थ रहे, पूरा समाज स्वस्थ रहे, पूरा राष्ट्र स्वस्थ रहे। पूरे विश्व के कल्याण की कामना को लेकर के आज हम योगिक क्रिया, दोनों पैर फैला करके सामने बैठ जाइए। चलिए पद्मासन करेंगे। पद्म का अर्थ होता है कमल। बाएं पैर को मोड़िए, ऐसा मोड़ो बाएं पैर को और ऊपर चढ़ाओ, घुटना जमीन से लगाओ, घुटना जमीन से लगाओ। अब दूसरे पैर को मोड़ो ऐसे, अब दोनों हाथों से उठा के ऊपर रखो, रीढ़ की हड्डी सीधी, नेत्र बंद, चिन्ह मुद्रा, गहरी सांस लेंगे 3 बार, ओम का उच्चारण करेंगे। ओ दोनों हथेलियाँ आपस में घर्षण करेंगे, दोनों हथेलियों की आँखों के पलकों पर रखिए, चेहरे में लगाइए, नेत्र खोलिए। चलिए दोनों पैर आगे करिए, पवन मुक्तासन। बाएं पैर को मोड़िए ऐसा, और दोनों हाथों के पीछे लाख लगाइए, दोनों घुटने के नीचे, और ऊपर खींचिए इसको ऐसा, एक खींचो पूरा, ये हमारी ठुड्डी जो है इससे लग जाए, एक दो छोड़ दीजिए, दूसरे पैर से करिए क्रिया, पवन मुक्ता से, बहुत अच्छा, एक दो, जब हम दबाएंगे पेट को तो श्वास बाहर निकलेंगे, एक दो, एक दो, अब दोनों पैरों को मोड़ो, नीचे से लाख लगाओ, हाँ, एक दो, अब दोनों पैरों को इस तरह रखेंगे उठा के, और जमीन से नहीं लगाना, एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ, रिलैक्स, पैर सीधे करो। अब हम बाएं पैर को मोड़ करके इस तरह से वज्रासन में बैठेंगे, एड़ी बाहर रहेगी पंजे अंदर। चलिए मोड़िए इस तरह, देख लीजिए आप, ये दोनों अंगूठे आपस में मिले हुए, एड़ियां बाहर, ये नितंब जो है दोनों एड़ियों के बीच में फंसे रहेंगे, और ये घुटने मिले रहेंगे आपस में, रीढ़ की हड्डी सीधी रहेगी, इस स्थिति में रहेंगे वज्रासन। भोजन करने के बाद बाकी के आसन खाली पेट किए जाते हैं, ये आसन भोजन के बाद किया जाता है। आप प्रतिदिन इस आसन में 2 मिनट बैठेंगे, आपका भोजन पच जाएगा, खट्टी मीठी डकारें नहीं आएंगी, ठीक है, और गैस नहीं बनेगी कभी, पच जाएगा भोजन। केवल 3 मिनट बैठ रहे हैं, 3 किलोमीटर घूमने का फायदा होता है इस आसन से, 3 मिनट बैठने में। अब पेट 100 बीमारियों की माँ है, ये माँ को ठीक करना, इस हथेली इस तरह से रखो, एक ऊपर एक, और आगे झुकिए, श्वास को बाहर निकालते हुए, श्वास को बाहर निकालो, आगे झुको, पेट पिचकाओ, मस्तिष्क को जमीन से लगाने की कोशिश करो, श्वास भरो, ऊपर उठो, जब नीचे जाएंगे श्वास छोड़ेंगे, ठीक है, ऊपर आएंगे श्वास भरेंगे, हाथ बदलो, चेंज कर लो, पेट को पिचकाओ, नाभि को दबाओ, झुकिए आगे, झुकिए झुकिए, श्वास निकालिए बाहर, मस्तिष्क जमीन से लगाइए, धीरे धीरे ऊपर उठिए। चलिए बच्चों, अब योगिक क्रियाओं के लिए तैयार रहें, उत्तिष्ठ, सब अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे, खड़े हो जाइए, और दोनों पैर आपस में मिलाएंगे, दोनों पांव मिला लो, और दोनों हाथ कमर पर रख लो ऐसे, और अपने स्थान पर पंजे के बल
उछलेंगे, ठीक है, ध्यान में सुनाई दे रहा सबको, पंजे केवल उछलेंगे, एड़ी नहीं आएंगी जमीन पर, ठीक है। चलिए गुरु, उछलिए उछलिए उछलिए, सभी उछलो उछलिए। अब हाथ ऊपर करिए ऐसे, पैरों में अंतर ले लो, पाँव में अंतर ले लो एक फुट का। हाँ चलिए अगली क्रिया करेंगे उल्टा, एक बाईं ओर मुड़िए, दो दाहिनी ओर, तीन चार, चार में सीधे खड़े हो जाओ। अब दोनों हाथ ऐसे करिए, इस तरह मुट्ठी बांधिए, हाथ ऐसे रखिए, पैर पास में करो, ठीक है। एक में हाथ ऊपर करेंगे, श्वास भरेंगे, है ना, दो में मुट्ठी बांधते हुए हाथ नीचे लाएंगे, श्वास को छोड़ेंगे, एक बार देख लो, ठीक है। एक दो ऐसे आवाज करना, ठीक है, एक श्वास भरो, दो एक दो दोनों पैरों को सीधे करिए और दोनों पंजे आपस में से मिलाइए, बटरफ्लाई तितली आसन। चलिए एड़ियां जितनी अंदर करोगे उतना अच्छा फायदा होने वाला है। चलिए हाँ हिलाइए, बटरफ्लाई, हाँ करिए तितली आसन, बहुत अच्छा आसन है, मातृशक्ति के लिए बहुत अच्छा है, सभी करें इसको। आपके घुटने और कमर का दर्द, ये इसका सबका समन होता है और मांसपेशियां हमारी लचीली होती हैं, इससे दाहिने पैर को मोड़ करके एड़ी बाईं ओर, पंजा दाहिनी ओर, वज्रासन में बैठ जाएंगे सब लोग। इस तरह से पकड़िए हाथ पीछे, ऐसा पीछे पीछे पकड़ो, हाँ श्वास को निकालते हुए आगे झुको, झुकिए कूर्मासन, झुकिए झुकिए झुकिए, धीरे धीरे ऊपर उठेंगे। अब हाथ बदल लीजिए, ऐसे चेंज कर लो हाथ, श्वास को छोड़ते हुए आगे झुकिए झुकिए, मस्तक जमीन से लगाइए, श्वास को भरते ऊपर उठिए। एक बार और करें क्रिया, दाहिने हाथ को पकड़ो ऐसे, हाँ श्वास को छोड़ते हुए आगे झुको, पिछला हिस्सा नहीं उठेगा, पिछला हिस्सा नहीं उठेगा, मस्तक जमीन से लगाइए। चलिए हाथ ऊपर करिए, श्वास भरिए, पीछे झुकिए, श्वास को छोड़ते हुए आगे झुको, शशकासन, झुकिए आगे, कुंडी मोड़िए, शशक खरगोश, खरगोश बन जाइए और पैर पीछे खींच दीजिए, लेट जाओ जमीन पर, भुजंगासन, सांप बन जाइए, ऊपर उठिए, पैर मिले रहेंगे, ऊपर देखो आकाश की ओर, आकाश की ओर देखो, वापिस शशकासन में जाइए, घुटने मोड़ करके हाथ मोड़ो और मस्तक जमीन से लगाओ, शशकासन खरगोश, फिर वज्रासन में बैठ जाइए, पैर आगे करिए, पैर आगे करिए और पद्मासन लगाइए, शेर बनना है शेर, ठीक है, इस तरह लगाओ पद्मासन और इस तरह से हथेलियाँ ये आगे ये, ठीक है, और जोर से ताड़ेंगे, जीभ निकालेंगे बाईं ओर, करिए करिए, वापिस शेर बन गए ना, हाँ, और झूला आसन करेंगे इसमें, चलिए झूला झूलेंगे, झूले झूला। नमस्कार सभी को, जैसा हम सभी जानते हैं योगा सभी स्तर के लोगों के लिए लाभदायक है, जैसे महिलाएं, पुरुष और बच्चों के लिए। हम एज अ संस्था इस योगा को उन बच्चों तक पहुंचाना चाहते हैं जो बच्चे अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर जैसे स्टोन क्रशर, ब्रिकलिंस और कंस्ट्रक्शन साइट जैसे एरिया में रहते हैं।
योगा के माध्यम से हम बच्चों को उनके स्वास्थ्य के साथ जोड़ना चाहते हैं ताकि उनका स्वास्थ्य अच्छा हो सके, उनका जो स्ट्रेसफुल लाइफ है वो दूर हो सके और उनको एक इमोशनल स्टेबिलिटी मिल सके।